प्रसिद्ध फूलों की घाटी से 16,800 फीट की ऊंचाई से पार होते हुए गमसाली निकलेगा पर्वतारोही दल। हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 16,800 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहियों का एक विशेष दल 10 जून को रवाना होगा, जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी से होकर गमसाली निकलेगा। इस पर्वतारोही अभियान का समापन 17 जून को गमसाली में किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना के अलावा कई उच्च अधिकारी पहुंचेंगे। इस दल का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में हो रहे पलायन को रोकना है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में ऐतिहासिक खेलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। पहले मैं पिछले जो हमारा एक्टिविटी चला है इससे पहले उसके बारे में बताता हूँ। तो ये एक जो प्रोजेक्ट है, ये इंडियन आर्मी और क्लॉ ग्लोबल, जो कि वेटरन्स है स्पेशल फोर्सेस के, इनके बीच में सांझगांठ होके फिर ये जो इवेंट हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। ये इवेंट जो सोल ऑफ स्टील, इसका जो नाम है, नाम से आप पता कर सकते हो कि इसमें बेसिकली एंड्योरेंस होगा, फिजिकल पार्ट होगा, बट यहाँ तक ये सीमित नहीं है। इसका जो मकसद है, वो मकसद पहली बात तो है कि एडवेंचर को बढ़ावा देना, और एडवेंचर को इस तरीके से बढ़ावा देना कि उसमें जो एक इंसान की पोटेंशियल होती है, जो उनके अंदर काबिलियत होती है, वो काबिलियत उभर के आए, उस काबिलियत की लिमिट जो लोग सोचते हैं अपने बारे में उसके बियॉन्ड उनको पता चले, और किसी भी कठिन कंडीशन से। अभी जैसे आप जानते हो कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं उनसे मुश्किल पहाड़ तो कहीं पर नहीं है, तो उनसे ऐसे मुश्किल पहाड़ों में खुद को सर्वाइव करना, अपने आप को बचाना और दूसरों को बचाने की काबिलियत रखना, ये सिखाना इस पूरे प्रोग्राम का एम है। और इसको जो है बॉर्डर विलेजेस की तरफ जानबूझ के लेके जाया गया है। वो भी आप देखोगे तो जैसे गमसाली है तो बहुत प्रसिद्ध एक टूरिस्ट लोकेशन नहीं है, वो जो है जनरली लोग उसके बारे में जानते नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे लेके गया है कि ताकि लोगों को गमसाली के बारे में और पता चले, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, और साथ साथ में वहाँ पे एडवेंचर का जो पोटेंशियल है। और हमने गमसाली में ट्रेनिंग की है और मैं बता सकता हूँ कि इंडिया में रॉक क्लाइंबिंग की इससे बेटर साइट नहीं हो सकती, अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ में वहाँ पे ट्रैकिंग से लेके आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, इन सब के लिए बहुत ही उम्दी जगह है वो, तो ऐसी जगहों को हाईलाइट में लाना ताकि और टूरिज्म वहाँ पे बढ़े, एडवेंचर बढ़े, और साथ में देश में भी एडवेंचर का स्पिरिट बढ़े, जो एक लीडरशिप का टूल है, तो ताकि लीडरशिप की भी स्किल्स यूथ में आ जाए, ये इसका मकसद था। तो हमने जो प्रोग्राम था उसमें पहले तो जैसे कमांडर साहब ने पहले बताया था कि हमने एक जो पब्लिसिटी दी थी उसके अंदर 1400 लोगों ने अप्लाई किया था, उनके ऑनलाइन वीडियोस के बेसिस पे 69 लोगों को सिलेक्ट किया गया था कि उनकी फ़िज़िकल फिटनेस और खुद के बारे में जो बताते थे, उन 69 का नैनीताल में फिज़िकल सिलेक्शन हुआ। ओके, फर्स्ट माई सेल्फ अशरुहा, आई एम फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना, सो आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। सो इन दिस चैलेंज वी आर टू गर्ल्स हियर, so first we have selected on the basis of our endurance and physical and mental test which held in Nainital. So from there we 23 participants got selected and then we started our training from there. Starting we did our rock climbing and everything, basic techniques to advanced techniques we learnt, and then from there we came to high altitude techniques. We have learned different like navigations, survival, if something happens to us in our around surrounding, how to survive alone, whichever we are carrying, how to survive alone there. And we have learned what is first aid, we have learned many things different. So I have done my BMC before, compared to that I have learned many things here. We have learned rescue techniques also, which is very useful in our day-to-day life, and if something happens to someone suddenly on road also, we can rescue, how to rescue them. We have learned navigation and everything, without compass or with compass and everything, as earlier sir told. So we are like now prepared for the challenge, as sir earlier told. So we are waiting for the challenge, like whoever is getting selected, and we hope that we do our best. खबर भारत वर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।